इस वीडियो को स्टार्टिंग में डिसलाइक करने से पहले पूरी वीडियो देखना, उसके बाद अपना रियल ओपिनियन रखना। और की हाल चाल, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। तो खैर मेरे हाल चाल थोड़े डाउन चल रहे हैं, सो प्लीज कोप अप विद दैट। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक्ट 377 को हटा दिया। सो व्हाट इज एक्ट 377, ये मैं बताता, लेकिन पप्पू मेरा हाथ पांव जोड़ने लगा, प्लीज मुझे बता दो। मैंने कहा चल दिल नहीं तोड़ दे, तू ही बता ले। चल दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा है, विपक्ष क्या कर रही है देश में? आज मैं तुम लोगों को बता दूं, राहुल गांधी क्यों नहीं है अगला प्रधानमंत्री, तो भक्त है मोदी का। ब्रो यू आर अ भक्त, तुझे पता है पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है? तुझे ये पता है रुपया कितना गिर गया डॉलर के मुकाबले? ब्लडी मोदी भक्त। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, हमारे देश की कंडीशन अच्छी नहीं है, अग्री। जितने स्टार्टअप है सबकी लगी पड़ी है, फिर भी मैं बताऊंगा राहुल गांधी क्यों नहीं हो सकता अगला प्रधानमंत्री। सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में आती है उसको देखते ही हंसी, ऐसा क्यों है? आई हैव अ रीजन फॉर दैट। ये आदमी हमारी देश की जनानियों को टक्कर दे रहा है, देख रहे हो, मतलब आंखों की कला। अब मैं तुम्हें दिखा दो कंपैरिजन। ये लौंडा मतलब प्रिया प्रकाश को टक्कर देगा यार, बड़ी बात है ये, क्या कहूं मैं इसे? आपके लिए मैं पप्पू हूँ। ओ हाँ, that's right, very good boy। और इसकी सारी कहानियां based on a true story, बिल्कुल true। अभी मैं अंदर गया, एक छोटा सा बच्चा था, शायद इतना बड़ा। कितना बड़ा? इतना बड़ा। इतना बड़ा? बच्चों की हाइट होती है वर्टिकल, पर इनके लिए हॉरिजॉन्टल। अलग ही क्लास चल रही है इनकी, कम लोग कर पाते हैं ये कोर्स, हम जैसे लोग तो इसे कर भी नहीं सकते, समझ रहे? मतलब जज्बा और शिक्षा का तो ये आलम है जी। इसके साथ के मेहमान पूछते हैं, भैया आंसर दे पाओगे? नहीं समझे, आओ दिखाता हूँ। पोरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यू शुड बी ग्रोइंग फास्टर देन द वर्ल्ड एवरेज इन ऑर्डर टू क्लोज द गैप। अनफॉर्चुनेटली during the period of your family's rule, thank you very much, India did not achieve it. Thank you. That's the question. Why? Thank you. I mean, there was a sharp question. You can either decide to take it or not. I can take it if you want. Yeah. Okay. Go. I can take it if you want. इन भाई सबको लगा ये क्वेश्चन तो बहुत हाई क्लास हो गया। ओहो, हमारे पप्पू तो इसका जवाब ही नहीं दे पाएंगे। तो इसने पूछ लिया, आप इस क्वेश्चन को लेना चाहते हैं कि छोड़ना चाहते हैं? ओहो, केबीसी चल रही है, फुल एक्सपर्ट एडवाइस। गुरु कहाँ से लाते हैं ऐसी बातें? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। अरे कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए। नहीं भाई कोई बात नहीं भाई, एक बार मार दीजिए। आई यू एंजॉय, आई कैन नॉट। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। मार दूंगा, चुप हो जा, बहुत देर हो गई तेरे ड्रामा देखते देखते। सॉरी 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 सॉरी। हाँ बड़ा अंग्रेज का बच्चा, सॉरी सॉरी। मार दे वो वाली चीज, तो आप सबको पता होगी कि लोकसभा में सेक्शन 377 की प्रैक्टिस चल रही थी। पर मेरे दिमाग में एक बात समझ नहीं आई, प्रधानमंत्री जी ने कान में कहा क्या था? काट के फेंक दे, गाड़ी तलाम फेंक दे गंगा में। और जाते जाते चार लाइनें, मैं नहीं पप्पू कहना चाहेगा, कांग्रेस पार्टी को देश से निकाल। That's all for today. I know it's a short video, but तभी थोड़ी सी खराब चल रही है, please try to understand. और next video होगी Q&A, आपके question और मेरे answer. I will answer every question in next video. तो अपने क्वेश्चन आप इसी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी लाइक करोगे तो ये हमें पता चलेगा ना। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आ गए हैं कहीं से पता नहीं भटकते भटकते, करो यार सब्सक्राइब। और दिस इज संकेत एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड खिलाफ।